दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फुकेत में कौन कौन सी जगह आप खा सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं उनके, कितना क्या खर्चा पड़ेगा आपका खाने का, और कौन कौन सी जगह आपको मज़ा आ जाएगा खा के, बोथ वेज और नॉन वेज फूड। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। पहला रेस्टोरेंट का नाम ले तो दिल्ली दरबार, यहाँ का टाइमिंग्स है 11 से 11, की रिसोर्ट के अंदर है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ का चिकन मसाला इज़ वेरी गुड, वेज आइटम्स भी बहुत है, इनफैक्ट जैन फूड भी यहाँ मिलता है। और यहाँ का देखिए आपका एवरेज प्राइस आ जाता है करीबन 500 बाट, मतलब करीबन 1000-1000 रुपये, पर जैसे कम में भी हो जाएगा, ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, जिसको पेट भर के खाना हो, आप वो शौकीन हो खाने का, अदरवाइज़ कम में भी हो जाता है काम, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन 300-500 बाट में आपका यहाँ खाना हो जाएगा। फिर आप जा सकते हैं बलूची, जो दोपहर में 1 बजे से रात का 11:30 बजे तक खुला रहता है, और यहाँ का पनीर लबाबदार और पालक चिकन, ये वहाँ का फेमस आइटम, बहुत ही सही है, ये आप ज़रूर वहाँ जाके खाइएगा। आप जा सकते हैं सोल करी रेस्टोरेंट एंड बार, इसके टाइमिंग्स भी 11 से 11 है। जनरली देखिए फुकेट में मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग्स 11 से 11 रहता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपको ईजी रहेगा कोई भी रेस्टोरेंट में जाने में। रीजनेबल भी यहाँ 300 बाट में आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा, आराम से प्रेम से खा पाएंगे। और यहाँ का आलू पराठा बहुत ही बढ़िया है, चाय बहुत ही बढ़िया है, तो ये सब आप इन्जॉय कर सकते हैं। चाइनीज़ भी यहाँ मिलता है, चाइनीज़ भी सही है। फिर आप जा सकते हैं तंदूरी फ्लेम्स, ये अगेन सुबह 12 बजे से रात का 11 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ का खास बात है यहाँ के कबाब्स, तंदूरी चिकन, ये सब बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही सही है, यहाँ आपको ये सब खा के मज़ा आएगा। नॉनवेज वालों के लिए बहुत ही सही है, मज़ा आ जाएगा। गार्लिक नान भी यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ भी जाना बनता है। फिर आप जा सकते हो करी डिलाइट, अगेन सेम टाइमिंग्स 11 से 11। और यहाँ का प्रॉन समोसाज, ये यहाँ का फेमस है एंड ये ज़रूर यहाँ खाएगा, बाकी सभी आइटम्स अच्छे, बट दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ करी डिलाइट। फिर आप जा सकते हैं लाइव इंडिया, देखिए ये भी रीजनेबल है, 300 बाट में आपका काम हो जाएगा, जैसे करी डिलाइट में भी आपका 300 बाट में काम हो जाएगा, तो ये सब दोनों रेस्टोरेंट थोड़ा रीजनेबल में आता है। और यहाँ का अगर आपको मीट के प्रिपरेशन चाहिए हो, मीट के कई आइटम्स चाहिए हो, तो यहाँ ज़रूर जाएगा, बाकी ऐसे वेज फूड भी यहाँ मिलता है। फिर आप जा सकते हैं हाईवे करी इंडियन थाई, यहाँ का खास बात है कि यहाँ अगेन फिश हुआ, मीट हुआ, ये सबसे यहाँ का काफ़ी अच्छे आइटम्स है, काफ़ी फेमस है, अगेन टाइमिंग्स 11 से 11 ही है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा यहाँ का सिजला भी बहुत ही सही है और फिशेस की भी काफ़ी वैरायटी है, तो और यहाँ रीजनेबल भी, बेसिकली 300 अराउंड बाट में आपका प्रेम से आप खा पाओगे, तो एज अ सेम टाइम आप नॉनवेज भी खा रहे हो, वैरायटी भी पूरा मिल रहा है और रीजनेबल भी है। फिर आप जा सकते हैं ICC, मतलब इंडियन करी क्लब, इसके टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात का 2:30 बजे तक, और आपको यहाँ मुगलई डिशेस खाना हो तो बहुत ही सही है, थाई डिशेस भी सही है, फिर आपका चिकन टिक्का मसाला, ये बहुत ही बढ़िया आइटम है, वेरी टेस्टी, तो ये सब चीज़ खाना हो तो यहाँ ज़रूर आएगा। मुगलई डिशेस ध्यान रखिएगा, ये यहाँ का स्पेशलिटी है। फिर आप जा सकते हैं बॉलीवुड फुकेट रेस्टोरेंट एंड बार, यहाँ का खास बात है कि यहाँ अगर आप वेडनेसडे को जाते हैं तो आपके लिए क्या है, वाइन जो है अगर आप लेते हो तो 1 वाइन के साथ 1 वाइन फ्री है। थर्सडे को जाते हैं तो लस्सी के साथ लस्सी फ्री है। फ्राइडे को जाते हैं तो वो कॉकटेल डे है। तो इस तरह से बनाया हुआ है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल डेकोर, वेरी डिफरेंट, बहुत ही सही है। अगेन 11 से 11 टाइमिंग है, तो काफ़ी आराम से आप इन्जॉय कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, वेरी नाइस, चिल्ड आउट डेकोर, वेरी नाइस। वो तो वहाँ का फेमस ही रहे, बंगला रोड फुकेट का कौन नहीं जानता, नाइट लाइफ वहाँ का पूरा अलग ही हो जाता है, पेडेस्ट्रियन होता है, कोई गाड़ियाँ नहीं चलती ना उस समय, तो वहाँ अगर आपको भूख लगे तो मद्रास कैफे 2 आप जा सकते हैं, वहाँ का अगेन मद्रास कैफे 2 समझ में आते हैं, साउथ इंडियन फूड है, वेरी नाइस फूड, वहाँ आप खा सकते हैं। तो देखिए बंगला रोड में भी क्या सिस्टम है ना, कि आपके कई रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए, एंड अगेन लिकर के लिए, अल्कोहलिक के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ऑप्शंस है, कई बाज़ है, विद वेरी नाइस चिल्ड्रन एटमोसफियर, म्यूज़िक चल रहा है, वेरी पेपी म्यूज़िक, अगेन वेरी नाइस। फिर आप जा सकते हैं गोल्डन पैराडाइज, जो कैरन बीच में है, यहाँ का अगेन समोसाज वगैरह, गार्लिक नान बहुत ही बढ़िया है, चिकन विंडलू वो भी बहुत ही सही है, काफ़ी जगह चिकन विंडलू मिल जाता है, तो वो भी आप ज़रूर खाएगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट आइटम एंड आपको अच्छा लगेगा खा के। फिर आप करी किंग इंडियन रेस्टोरेंट जा सकते हैं, अगेन वहाँ आपका चिकन टिक्का मसाला बहुत बढ़िया है, गार्लिक नान, दाल मखनी, सब बहुत सही है, वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शंस है और सब कुछ बढ़िया है। तंत्रा ज़रूर जाएगा, जिसका डेकोर इज़ वेरी गुड, वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको, वहाँ बैठ के घंटों बिता सकते हैं। और यहाँ का अगेन फिश बिरयानी इज़ वेरी गुड, चिकन टिक्का मसाला तो अच्छा है ही, तो दिस अनदर प्लेस विच इज़ वेरी नाइस, वेजिटेरियंस के लिए भी है, दाल मखनी वगैरह तो वहाँ का बढ़िया है, तो ज़रूर जाना बनता है। यहाँ का डेकोर बहुत सही है, तो डेकोर के लिए ज़रूर जाएगा तंत्रा, बहुत चिल्ड आउट एटमोसफियर है।
फुकेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जैसे खाना पीना मंगाओगे ना, और स्पेशली सब्जियाँ जैसे दाल मखनी हुई, पनीर मटर मसाला हुआ, तो इंडिया में अपने को जो पोर्शन साइज़ जो रहता है वहाँ इतने बड़े पोर्शन साइज़ नहीं होते, वहाँ के पोर्शन साइज़ कम होते हैं, और वहाँ का नान मसाला कुलचा भी वहाँ का टेस्ट अलग रहता है, और इतना हैवी भी नहीं रहता जितना यहाँ रहता है अपने इंडिया में। तो हो सकता कि आपको लगे कि भाई हम उस हिसाब से जो इंडिया में मंगाए तो उस हिसाब से वहाँ मंगाए तो पेट भर जाए, ज़रूरी नहीं है। तो डेफिनेटली इंडिया से महंगा है खाना पीना फुकेट में, और सिंस पोर्शन साइज़ भी कम रहता है तो लगता है थोड़ा बेसी महंगा हो गया, बट देन डेफिनेटली इंडिया से सस्ता खाना पीना कहीं नहीं है दुनिया में, ये तो पक्का बात है। यहाँ जो आराम से कोई खा सकता है वो कहीं नहीं खा सकता दुनिया में, तो कंपेयर करके फ़ायदा भी नहीं है। बट ये ज़रूर मैं ध्यान रखेगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना, अपने मंगा लेते हैं सब्जी और अपने को लगता है कि भाई ठीक है अपना ऑर्डर हो गया, अपने प्रेम से खा लेंगे, ज़रूरी नहीं है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।